आज का मुद्दा बेहद खास है क्योंकि ये मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बात यमुनानगर की करते हैं। यमुनानगर के एक सरकारी स्कूल में परीक्षा परिणाम ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि सरकार भले ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही हो, लेकिन परिणाम ढाक के तीन पात ही रहने वाला है। यमुनानगर जिले के बिलासपुर के इकलौते सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नॉन बोर्ड के परीक्षा परिणामों में कुल बच्चों में से आधे से अधिक बच्चे फेल आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि नॉन बोर्ड में परीक्षा परिणाम का ये हाल है तो इन बच्चों का हश्र बोर्ड की परीक्षाओं में क्या होगा। बिलासपुर के नॉन बोर्ड के आधे से अधिक बच्चे फेल आए हैं और नौवीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होने को लेकर प्रिंसिपल महोदया का कहना है कि उनके पास स्टाफ की कमी है, जिसके चलते ऐसा परिणाम सामने आया है। और इसी के साथ आज के सवाल, बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़, स्कूल में आधे से ज्यादा बच्चे हो गए हैं फेल। यमुनानगर के बिलासपुर में है ये सरकारी स्कूल। जिले में इकलौता अंग्रेजी मीडियम स्कूल है ये। क्या ऐसे आगे बढ़ेगा हरियाणा? कब सुधरेंगे स्कूलों के हालात? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? तो ये हमारे आज के सवाल हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। इसके साथ ही कुछ बातें और भी हम आपको बता दें, जैसे कि स्कूल में 106 शिक्षकों के पद हैं, जिनमें से 24 पद पिछले 16 सालों से खाली चले हुए हैं। जो सबसे अधिक प्रॉब्लम अगर बात शिक्षकों के आधार पर की जाए, देखी जा रही है, तो शिक्षकों का कहना है, प्रशासन का कहना है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो बेस होता है वो हिंदी बेस होता है, लेकिन जिस प्रकार से अंग्रेजी मीडियम में बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये एक बड़ा कारण बन जाता है बच्चों का फेल होने का। आपको बता दें कि अंग्रेजी शब्द और अंग्रेजी भाषा ने जिस प्रकार से हमारी जो शिक्षा प्रणाली पर कब्जा किया है, उसका एक उदाहरण यहाँ पर भी आपको देखने को मिला, लेकिन ये उदाहरण कहीं ना कहीं एक नकारात्मक उदाहरण हम कह सकते हैं। यमुनानगर के बिलासपुर में ये स्कूल स्थित है, जिले का इकलौता अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, जहाँ पर ये हालात देखने को मिले। यहाँ पर आधे से ज़्यादा नौवीं कक्षा के बच्चे फेल हैं और साथ ही शिक्षकों का यहाँ पर कहना है, स्कूल की अगर प्रधानाचार्य की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि बार बार कहा जाता है प्रशासन को कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, बावजूद उसके किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया जाता। लेकिन आज हम आपसे ये जानेंगे कि खिलवाड़ क्यों हो रहा है और क्या कारण इसके पीछे आपको लगता है कि बच्चे आजकल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों की ही बात कर लीजिए, अगर बच्चे ध्यान देते भी हैं तो क्या सुविधाओं का भी वहाँ पर असर देखने को मिलता है कि सुविधाओं की कमी है तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, या फिर ये एक बड़ा कारण आपको लगता है कि जिस प्रकार से बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में डालने की कोशिश की जाती है, हालांकि बच्चों का जो बेस होता है वो उनकी मातृभाषा हिंदी का बेस होता है, बावजूद उसके अंग्रेजी में उन्हें पढ़ाया जाता है, जो कि एक बड़ा कारण यहाँ पर बनता नजर आता है। क्योंकि ये तीन मुख्य कारक है जो यहाँ पर प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। लेकिन बात अगर अभिभावकों की करें तो अभिभावकों के मन में गुस्सा है और साफ तौर पर वो शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। यमुनानगर के बिलासपुर में ये सरकारी स्कूल है और यहाँ पर नौवीं कक्षा का जो परिणाम सामने आया उसमें आधी कक्षा से ज़्यादा अधिक बच्चे फेल हो चुके हैं और जिले का इकलौता अंग्रेजी मीडियम ये स्कूल है जहाँ पर आधी क्लास फेल हो चुकी है। तो आपको बता दें कि जो आठवीं के बाद यहाँ पर बच्चे आते हैं उनका बेस हिंदी का होता है और अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, जिस कारण बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आती है। तो पहली दर्शक हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हैं, रसीदा, स्वागत है रसीदा, आपका खबर है अभी तक पर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? आपका भी बहुत सारा शुक्रिया मैम, मैं यही बोलना चाहती हूँ, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी तो हमारी हिंदी है, मगर इंग्लिश भी बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इंग्लिश में नॉलेज पाने से बच्चे आगे विदेश देश विदेश में भी जाएंगे जी, तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए।
जी शुक्रिया रसीदा, जो ये आपने राय रखी, लेकिन सवाल ये भी है कि स्कूलों के हालात कब सुधरेंगे, ये भी एक सवाल है। बच्चों के भविष्य के साथ अक्सर खिलवाड़ कर दिया जाता है, क्यों कर दिया जाता है, हालांकि बच्चे ही हमारा भविष्य है। अगले दर्शक चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं, स्वागत है चंद्र प्रकाश, आपका भी खबर अभी तक पर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल के संस्थापक होते हैं, संचालक होते हैं जी, और सरकार के लिए वो दूध देने वाली गाय होती है जी, क्योंकि इनका काम एक ही है, चाहे वर्दी हो, कॉपी पेंसिल, किसी चीज में इनका अपना सेटिंग होती है। वहां जो है ये 25 रुपए का आइडेंटिटी कार्ड 100 रुपए में देते हैं, वहीं स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं, अध्यापकों में कोई कमी नहीं। मैं खुद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रिवाड़ी से पढ़ा हुआ हूँ जी, और अच्छी रेलवे में अच्छी पोस्ट से सेवानिवृत्त भी हुआ हूँ, तो ऐसा नहीं है। वहां भी अध्यापक वही है जो प्राइवेट स्कूल में होते हैं, परंतु मंशा प्राइवेट स्कूल की यह होती है कि गवर्नमेंट स्कूल को किसी ना किसी तरह से नीचा दिखाया जाए। और मैं प्राय कर मैंने ये देखा, जब मैं खुद स्वयं पढ़ता था 71 में, तो मैंने ये देखा कि वहां अध्यापकों की कमी तो रहती है गवर्नमेंट स्कूल में, इसमें कोई दो राय नहीं, वो उस समय भी थी और आज भी थी। यानी एक कहावत है कि सांप का भाई गुहेरा, एक कूदे नौ दूसरा कूदे तेरा, ये मिनिस्टर्स जो होते हैं हमारे उनकी मेहरबानी होती है, चाहे शिक्षा मिनिस्टर हो कोई हो, इनकी मेहरबानी की वजह से ही स्टाफ की कमी होती है, रिजल्ट ये होता है कि बच्चे जो है 100 की बजाय 0 पर आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी भारत में कमी है, उस पर सुधार होना चाहिए जी। शुक्रिया चंद्र प्रकाश जो आपने ये राय रखी, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय को रख सकते हैं। अगले दर्शक बलदेव सिंह सिरसा से जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है बलदेव, खबरें अभी तक पर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि एक पहला तो टीचरों की भर्ती में आरक्षण का लागू होना जी, इससे जो बिल्कुल अच्छे जो टीचर हैं वो रह जाते हैं और जो वो होते हैं वो इसमें भर्ती हो जाते हैं जी। दूसरा कारण है टीचरों को पढ़ाई का काम न करवाकर वोट की जनगणना, मिड डे मील व अन्य ऐसे कार्यों में लगाना, जिनके कारण बच्चों की पढ़ाई वो ठीक समय पर नहीं करवा पाते, ये सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, पहली से नौवीं कक्षा तक किसी को फेल न करना, ये भी एक कारण है कि उसमें न तो माँ बाप ध्यान देते भाई बच्चा पास हो गया तो क्या जरूरत है, भाई अच्छा पढ़ रहा होगा, तो ये भी एक कारण है। तीसरा, बच्चों के ऊपर से टीचरों का भय खत्म होना, आज अगर कोई टीचर बच्चे की थोड़ी सी गलती के ऊपर उसके ऊपर हाथ उठा देता है तो ये एक बड़ा बमंडर आपके चैनल भी उठा देते हैं और जो माता पिता है क्यों वो एक एक बच्चे के बाप। शुक्रिया बलदेव सिंह जो आपने राय रखी, और साथ ही आपको ये भी बता दे कि खबरें अभी तक हमेशा सच की आवाज ही उठाता है। अगले दर्शक हमारे साथ रोहतक से अजीत जुड़ चुके हैं, अजीत आपका स्वागत करते हैं खबरें अभी तक पर, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर आप? जी ये जो बच्चे फेल हो रहे हैं सीधे सीधे सरकार की लापरवाही, टीचरों की कमी है, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो सरकारी, हिंदी मीडियम स्कूल हो, आप कहीं भी चले जाइए कहीं भी आपको अधिकारी भ्रष्टाचारी मिलेंगे, टीचर नहीं मिलेंगे या सीटें नहीं मिलेंगी, या जो टीचर है वो अनएजुकेटेड मिलेंगे। अब इसमें बच्चे पढ़ेगा, पढ़ाने वाले टीचर है इंग्लिश मीडियम में, आप चले जाइए वहाँ एजुकेटेड टीचर मिलेंगे, वहाँ का रिजल्ट अच्छा रहेगा, वहाँ प्रेशर रहता है उस पे, मतलब दबाव रहता है कि स्कूलों का जिसको रिजल्ट लाने के लिए वहाँ फ्री की तनख्वाह मिलती है इन टीचरों को, अपने ऐश करते हैं कोई छुट्टी ले लेते हैं सीधे सीधे। मैं इसमें बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री, उनको जिम्मेदार बताऊंगा, और जिन्होंने ये कहा था कि हम अच्छा करेंगे, हम देश का विकास करेंगे, अगर बच्चे ही अच्छे नहीं होंगे तो देश का विकास होगा? बीजेपी के नेता बड़े बड़े स्कूल उनके मंत्री के बच्चे स्कूल अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कांग्रेस के नेता सबके इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, चाहे हमारी नेता जो है वो मनिया पंत हो या साक्षी जोशी, उनके बेटे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब बच्चों का कौन नहीं सुनता। लेकिन अब कई सोशल एक्टिविस्ट इसमें आ गए हैं, जैसे मानसी दबे हैं, देवांशी हैं, पूजा त्रिपाठी हैं, इनका काम अच्छा है जो बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करती हैं जी। शुक्रिया अजीत जो आपने राय रखी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय को रख सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। स्कूल में आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो गए हैं, नौवीं कक्षा की बात करें यमुनानगर के इस सरकारी स्कूल में।
नागेंद्र सिंह नेगी सरकाघाट मंडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है नागेंद्र, आपका भी खबर अभी तक पर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? मैडम ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं पूर्व श्रोता कि मास्टर भी टीचर भी बहुत अच्छे हैं जी, स्टाफ भी ठीक है, सरकार का इंतजाम भी ठीक होता है बहुत सारे स्कूलों में जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो अगर मान लिया वहां पर व्यवस्था ठीक कहीं पर किसी स्कूल में नहीं है तो उसके बारे में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो भी आती है वो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही बाहर निकलती है। अन्यथा ये स्कूल जो है मजलूमों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चों के स्कूल बन गए हैं और यहाँ पर बड़े लोग जो भी हैं, जो अफसर हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, नेताओं के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ते। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही आदेश दिया था कि जो भी व्यक्ति सरकारी खजाने से पैसा लेता है, चाहे नेता है, चाहे वो अफसर है, जज है, उनके बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में ही पढ़ने चाहिए ताकि वहां की हकीकत तो कम से कम ऊपर पता लगे। सरकार इतना खर्चा अगर सरकारी स्कूलों पर कर रही है और सरकारी मुलाजिम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन स्कूलों में टीचर जो सरकारी स्कूलों में सरकार की नौकरी चाहिए उन टीचर्स को, लेकिन अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा करके उनको शिक्षा देते हैं, जिससे कि एक शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा भेद पैदा हो गया है और सरकारी स्कूलों के बच्चों की बिल्कुल सुनवाई नहीं होती है, विवादित बेचारे मजबूर होते हैं और ये टीचर अपने मौज मस्तियां करते हैं। जय हिंद। शुक्रिया नागेंद्र सिंह नेगी, जो आपने राय रखी तो ये बहुत ही सही एक डिसीजन इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया था कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, जो सरकारी तनख्वाह के हकदार हैं, उन्हें अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं वो सुधरेंगे, चाहे वहाँ पर जो भी अधिकारी हैं, जो भी शिक्षक वहाँ पर मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों की ओर ध्यान जरूर देंगे। लेकिन जो प्रवृत्ति हमारी बदली है, एक समय वो था जब सरकारी स्कूलों के द्वारा ही हमारे देश के जो मजबूती के ढांचे को खड़ा किया गया था, लेकिन आज एक समय वो है जब सरकारी स्कूल की ओर से सभी अपना मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसका कारण है सरकारी स्कूलों का गिरता हुआ स्तर। और गिरता हुआ स्तर के भी कई कारण हैं, जैसे कि यहां पर शिक्षकों की कमी होना, और शिक्षक अगर यहां पर होते हैं तो कुछ लापरवाह भी होते हैं और अक्सर खबरों में इस प्रकार की खबरें सामने आती रहती है जो कि सरकारी स्कूलों से बच्चों का ही नहीं बल्कि अभिभावकों का भी मुंह भंग कर देते हैं। और ऐसे में हर अभिभावक चाहता है कि उनके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जिस प्रकार की आज शिक्षा पद्धति बनती नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं इस शिक्षा पद्धति में जो हमारे देश के विकास के लिए जरूरी हो या ना हो, हमारा देश का इतिहास जो हमारे देश के वीर जवानों ने दिया है उसका इतिहास में नाम हो या ना हो, लेकिन इस शिक्षा पद्धति में यह जरूर होता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। कहीं ना कहीं बच्चे आगे तो बढ़ रहे हैं, बच्चे नॉलेज ले रहे हैं, बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन नैतिक मूल्यों को खोते जा रहे हैं। और नैतिक मूल्यों का खोने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आने वाले समाज में हमें सबसे ज्यादा अपराध देखने को मिल रहे हैं। आने वाले भविष्य की अगर हम कल्पना करते हैं तो अक्सर अंधकारमय ये भविष्य हमें अपना लगता है। और अगर बात यमुनानगर के स्कूल की जाए तो आपको बता दें कि यहाँ पर नौवीं कक्षा की आधी से ज्यादा जो क्लास है, आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो फेल हो चुके हैं। कारण अगर अभिभावकों की ओर से देखा जाए तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर शिक्षक पूरे नहीं है। ये आंकड़ा भी आपको बता दिए चलते हैं, 106 शिक्षक यहाँ पर होने चाहिए जिनमें से 24 पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं और ये जो रिक्त पद हैं ये 2016 से पड़े हुए हैं। बात अगर गणित के टीचर्स की जाए, गणित के यहाँ पर दो टीचर्स हैं जिनमें से एक गेस्ट टीचर हैं, यानी कि आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वही बात अगर स्कूल प्रशासन की जाए तो स्कूल प्रशासन इसके लिए सीधा तौर पर शिक्षा विभाग को जिम्मेदार ठहराता है और साथ ही स्कूल प्रशासन का ये भी मानना है कि बच्चों को यहाँ पर नौवीं से सीधा अंग्रेजी मीडियम में दाखिला दिया जाता है, जो कि एक बड़ा कारण है। अगले दर्शक मलिक गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलिक आपका स्वागत करते हैं हम खबरें अभी तक पर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? मैं यूं कहना चाहूंगा जी, मैं यूं कहना चाहूंगा जी, सरकार जो ना जी, सरकार जो ना कोई भी हुई है, सरकार अपनी कुर्सी खातिर जो ना ये नेता लोग जो ना करते हैं और हमारे बच्चों के लिए या बच्चों के पढ़ाने के लिए या बच्चों को नौकरी देने के लिए इस प्रकार का काम सरकार करती है जी। नेता लोग जो ना ये चाहते हैं अथवा हमने बदलाम और काजू मिल ही जाए बाकी जो ना उनका भार न बचे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके चैनल से मैं ये बातें कह रहा हूँ, आप इस बारे में आप इनका ध्यान दिलाओ ताकि ये नेता लोग जो ना
इधर अपनी कुर्सी बदाम करने की बजाय जो ना बच्चों की तरफ या जनता की तरफ ध्यान दे। जी शुक्रिया मलिक जो आपने राय रखी। तो जिस प्रकार से आपको बता दें कि अक्सर ये देखा गया है कि देश के विकास की बात की जाती है, देश के विकास के लिए सबसे मजबूत सीढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। अगर समाज शिक्षित होगा तो जाहिर तौर पर जितनी कुरूतियां, जितनी विसंगतियां हमारे समाज में आज देखने को मिल रही है, उन विसंगतियों पर विराम लग जाएगा और इसी को लेकर देश आगे बढ़ेगा, शिक्षा को लेकर देश आगे बढ़ेगा। लेकिन शिक्षा पद्धति की अगर बात की जाए, क्या हमारी शिक्षा पद्धति आज हमें अपने नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या हमारी शिक्षा पद्धति के द्वारा हमें यह भी सिखाया जाता है कि एक अच्छे व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए? शायद यही कारण है कि हमारे समाज में आने वाले समय में अपराध इतनी तेजी गति से बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ आज हमारी शिक्षा पद्धति हमें बता रही है। आज हमारी शिक्षा पद्धति एक दूसरे को, एक दूसरे से आगे बढ़ने को लेकर कहीं ना कहीं फोकस्ड है और ऐसे में बच्चों पर अतिरिक्त भार आ जाता है। और आज जो हम मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं वो मुद्दा है यमुनानगर के बिलासपुर में स्थित स्कूल का, जिला का इकलौता अंग्रेजी मीडियम ये सरकारी स्कूल, जहां पर 9वीं कक्षा का जो रिजल्ट है बेहद खराब आया है, जिस कारण स्कूल की छवि धूमिल हो गई है। अगले दर्शक हमारे साथ अनूप रोहतक से जुड़ चुके हैं, स्वागत है अनूप, आपका भी खबर अभी तक पर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? जी अनूप, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? तो शायद अनूप से हमारा संपर्क कट चुका है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, तो देर मत कीजिए, फोन उठाइए, कॉल कीजिए हमें और बताइए क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर आप, हमारी शिक्षा पद्धति को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से यमुनानगर के स्कूल का हाल देखा गया, उस हाल को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आज हमें इन बातों पर गौर करना ही होगा। अगर आज हम गौर नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर जो बच्चे हैं, यानी कि जो भविष्य है हमारे भारत का, वो कैसा हो सकता है, इसका अंदाजा आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये बात खुद पहले से जानते हैं। तो आपको बता दें कि यमुनानगर के बिलासपुर में ये जिला का इकलौता अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूल है, जहां पर 9वीं कक्षा का जो रिजल्ट है वो बेहद खराब आया है। 9वीं कक्षा के अगर रिजल्ट की बात की जाए तो आधे से ज्यादा बच्चे यहां पर फेल हो चुके हैं और अभिभावक इसका कारण जहां पर स्कूल में शिक्षकों की कमी को होना मानते हैं, वहीं अध्यापकों का कहना है कि जो बच्चे हैं वो हिंदी बेस से आते हैं और यहाँ पर अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, जिस कारण बच्चे एकदम फेल हो गए, क्योंकि 8वीं कक्षा तक ग्रेड सिस्टम है, 8वीं कक्षा तक बच्चे फेल नहीं होते हैं, ऐसे में 9वीं कक्षा में बच्चे फेल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर जो शिक्षक है वो ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग इस बात पर गौर नहीं करता है कि यहाँ पर जिस प्रकार से 106 पद हैं शिक्षकों के, उनमें से 24 पद अभी खाली है और जिसको लेकर शिक्षा विभाग के पास बार बार शिकायत दी गई, बावजूद उसके यहाँ पर कोई सुधार नहीं हुआ। यानी कि कुल मिलाकर असुविधाओं का जमावड़ा यहाँ पर आपको स्कूल में देखने के लिए मिल जाएगा। क्या है इस पर आपकी राय? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? यह है हमारा आज का सवाल। अगले दर्शक योगेश करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश आपका स्वागत करते हैं हम खबर अभी तक पर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। ये तो भविष्य तो बहुत ही गलत है कि भाई आने वाले टाइम में अगर जैसे मैडम अभी ये है कि 60-60 बच्चे फेल हो जाते हैं, 60% बच्चे फेल हो जाते हैं, तो आगे क्या होगा? और एक सबसे मेन बात तो मैडम ये है कि जैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, अब उस हिंदी भाषा को कम करते जा रहे हैं, नर्सरी से या फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाते हैं, बच्चे उनको इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं, जिससे उनको हिंदी का ज्ञान नहीं पता रहता, उनको बस 4 या 5 क्लास के बाद उनको हिंदी में पूछ लो 10 कितना होता है, 8 कितना होता है, उनको ये नहीं बता सकते, उनसे इंग्लिश में पूछना पड़ता है। और जहां तक है जो ये सरकारी स्कूल होते हैं, इनमें एक तो टीचर प्रॉपर नहीं होते, अगर टीचर होते हैं तो वो इतने वो नहीं होते कि भी पता हो कि भी इनको कि भी कैसे पढ़ाएं बच्चे को, कैसे करें या कैसे नहीं करें, और इधर उधर की बातें करते रहेंगे ना, मतलब जो फैसिलिटी होती है सरकार की तरफ से वो ना तो वो देते हैं, और एक इनकी फीसें इतनी, मतलब कि जब सरकारी स्कूल में टीचर नहीं होंगे तो प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चे जाएंगे और वहां पर इतनी फीस होती है जो मान ले कोई आम फैमिली होती है वो अपोज नहीं कर सकते ना, जैसे किसान के हो गए, रिक्शा चलाने वाले हो गए, या कोई आम आदमी भी किसी तरह के हो गए बच्चे,
तो हमारी सरकार को ऐसा कदम उठाओ, मतलब मैडम ये नहीं होता कि भी कि उसको किसी मंत्री के बच्चे को या किसी को भी पढ़ा दे, लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ रहा है जब अगर वो तो उस बच्चे को तो गोद में रखेंगे, लेकिन उस चीज बच्चे को तो नहीं रखेंगे ना गोद में, जो दो आम बच्चा है उन दोनों को बराबर रखे जब जाके तो बात बनेगी मैडम। ऐसे किसी भी मंत्री के बच्चे को छोड़ दे या कुछ भी कर दे ऐसे नहीं होएगा, कुछ सख्त कानून बनाओ, बच्चे का आगे भविष्य देखो। ये नहीं है कि भाई हम एक मामले में कह दो कांग्रेस का या कि भी नहीं, अगर कांग्रेस ने पीछे ठीक करा होता ये हालत अब नहीं होती, या अगर पीछे कर होती जितने भी होते हैं ये सारे नेता चुनाव के टाइम पे आने के बाद ये कह देंगे भी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसमें हल निकाल लो, बच्चे का भविष्य देखो। क्यों हमारे बच्चे अब ये बार बार बाहर निकल रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे जो रास्ता भूल रहे हैं, ना बच्चे स्कूल में टाइम पे जा रहे हैं, इनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं पे स्कूलों में बच्चों से काम करवाया जाता है, तो मैडम कब तक देखेंगे ये? क्या मतलब कि हमने ये दिन आजादी इसलिए देखी थी कि जो हमारे भविष्य आगे आएगा वो अंधकार के अंदर जाएगा? योगेश शुक्रिया जो आपने राय रखी, लेकिन आपको बता दें कि अगर जिस प्रकार से इलाहाबाद कोर्ट का डिसीजन था उस डिसीजन में ये था कि अगर मंत्रियों के बच्चे या फिर सरकारी मुलाजमों के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा उस स्कूल की ओर, उस पाठशाला की ओर, वो भी उन्हीं मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि उनके बच्चे खुद वहां पढ़ेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ रोहतक से नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन आपका भी स्वागत है खबर अभी तक पर, क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ मैडम, मेरा ये कहना है कि सरकारी स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल है वे आज के टाइम में जो प्राइवेट स्कूल है वे बिजनेस बन चुके हैं। सरकारी स्कूलों में क्यों भारी अभाव है, शिक्षकों का कोई कमी है वो नहीं है, इनमें कोई प्राइवेट कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जी। अगर इन सरकारी स्कूलों में जो सरकार में जो काम करते हैं अधिकारी कर्मचारी जो भी है अगर उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ने लग जाए सरकारी स्कूलों में तो इसकी अर्थव्यवस्था काफी सुधर आ जाएगा। जी। और एक और बात है, प्राइवेट स्कूलों में जो मनमानी आजकल चली हुई है क्या है कि जो शिक्षा सुधार ने ये एक नया नियम बनाया है कि जिस बच्चे को कंपार्टमेंट वगैरह जैसे आ जाती है तो उसको पिछले उसी में जब तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर देते तब तक उसको वहीं पे रखा जाता है, घर बिठा दिया जाता है। अगर बाई द वे वो बच्चा आगे उसमें पेपर क्लियर कर देता है यार 20 दिन बाद वो स्कूल में जाता है तो 20 दिन तक उसकी पढ़ाई कितनी आगे चली जाती है ये स्कूल वाले नहीं समझते हैं। जी। तो मेरा यही कहना है जी, सरकारी स्कूलों की हालत आज बहुत खराब बनी हुई है। 60-70 हजार रुपये 80 हजार रुपये सरकारी टीचर तनख्वाह लेते हैं लेकिन इनके बच्चे प्राइवेटों में पढ़ते हैं, खुद इनके बच्चों को भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए सरकारी में, तभी जाकर उसका सुधार हो सकता है। जी नवीन, शुक्रिया नवीन जो आपने ये राय रखी। जिले में इकलौता अंग्रेजी मीडियम स्कूल है यमुनानगर के बिलासपुर में, और इस स्कूल में 9वीं कक्षा का जब परिणाम सामने आता है अभिभावक दंग रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आधे से ज्यादा जो बच्चे पढ़ते हैं वो फेल हो जाते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं जिस कारण अभिभावक शिक्षकों पर सवाल उठाते हैं, तो शिक्षक कहते हैं कि रिक्त पद है तो, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया गया, बोर्ड की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। वहीं शिक्षकों का एक और ये भी कहना है कि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं हिंदी बेस से आते हैं, 8वीं कक्षा तक फेल नहीं होते हैं, और ऐसे में 9वीं कक्षा आने के बाद उनके पास दो चुनौतियां होती है। सबसे पहले इंग्लिश में ही उन्हें अपने पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, और दूसरा ये कि 9वीं कक्षा में कोई ग्रेड सिस्टम नहीं होता है जिस कारण बच्चे सीधा फेल हो सकते हैं, और यही बड़ा कारण है जिस कारण 9वीं का जो परिणाम है वो इतना खराब सामने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस खराब परिणाम के सामने आने पर इस स्कूल की छवि भी धूमिल हो गई है, क्या कारण मानते हैं आप इसका? बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो देश को विकास की ओर आगे की ओर ले जा सकता है, और अगर देश को विकास की दरकार है तो शिक्षा की भी दरकार है। लेकिन आखिरकार हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है उससे नैतिक मूल्य भी गायब होते जा रहे हैं, नैतिक मूल्य गायब होने से हमारे देश के जो नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं एक समाज में रहने लायक तो होते हैं लेकिन समाज की जो भावनाएं हैं उन्हें समझने से कहीं ना कहीं दूर होते हैं, और ये तमाम चीजें आज देखी जा सकती है भारत में। और अगर भारत को आगे बढ़ना है, अगर हमें विकास की ओर बढ़ना है, आगे की ओर बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा हो जाती है।